Let's So, आज हम करने वाले एक वीडियो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग माई बारबी रूम। तो हमारे घर में एक कमरा है कॉल्ड बारबी रूम और या बारबी वर्ल्ड या ड्रीम वर्ल्ड, कुछ भी कह सकते हैं। बारबी रूम है, वर्ल्ड वर्ल्ड कुछ नहीं है, वो रूम है। सो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज मैं इस रूम को कन्वर्ट करने वाली हूँ, मतलब ये रूम पे जो जो है वो दूसरे रूम पे नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर पे और कोई कमरा भी नहीं है। सो ये हमारा रूम, ये कुछ डर्टी एंड मेसी है। सो गाइस, यहाँ पे कुछ रॉल्स रखे हुए हैं और यहाँ नीचे कुछ गंदे तरीके से मैंने रखा है, क्योंकि बस यहाँ पे देखो मेरी राजमहल, डॉल्स की कुशन्स, सीट्स, सोफा, चेयर, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। ओके, सो गाइस, मैंने एक स्केच बनाया है बारबी रूम का, जो मैंने एक प्लान करके रखा था पहले कि कैसे रखना है इसे। जैसे मैंने प्लान बनाया था नोटबुक में, वैसे ही मैं रखने वाली हूँ अभी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं ये डॉल की कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। सारी इस डॉल की कहानी सब क्या जुबानी, तो सुनिएगा। ये डॉल ना मतलब हमारे गेट पे ना दफन होके खड़ी थी, मर गई थी, किसी ने मदद करके इसे दफन कर दिया था। मैंने इसको निकाल कर फिर इसको जान दिया, मेरे ग्लव्स लगाया, फिर हैशटैग नहीं बन पाया मेरे से। तो ये सब देखो इंजुरीज है, जो चाकू से मारा था इसके पैर पे, तो ये सब इंजुरीज हो गए सर पे भी लगता है, इसी ने मार दिया होगा। से एक्सप्लेन कर रही है तो लगता है इसी ने मारा। क्या लगता है किसने मारा होगा? अरे ये डॉल की कहानी में से ना मुझे अब तक याद है, ये मैंने एक फेयर में खरीदा था। मैंने बोला था ये बोरिंग सेक्शन है, अब स्किप कर दीजिएगा। टूट गई डॉल, इसने तोड़ दिया। कहानी बोलती हूँ मैं। तो ये डॉल ना मैंने पर्स में रख दिया था, बर्स के साथ ही डॉल खरीदा था मैंने। तो मैंने एक पर्स में ही डॉल रख दिया, फिर वो पर्स खोल नहीं पा रहा था, फिर मैंने चाकू नहीं सीजर से उसे काट के फिर डॉल को निकाला। सब इसके चाकू से मारा होगा। मैं भी इसकी कहानी सुनाती हूँ। तो इसकी कहानी क्या है ना कि मैंने ये बैंगलोर अमेजोन से मंगाया है। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बस देखती थी क्या चाहिए, ऑर्डर करती, मतलब करती थी, बोलती थी बकवास है, इसमें एक खरीदिया है दो घर बोल के। सो देखो हाँ, मैंने ऐसा समझा था कि ये सब देंगे विद द डॉल। ओके, तो जब ये ऑर्डर आया ना हमारे घर पे, तो पता चला कि डॉल नहीं आता है साथ में, सब स्विंग आया था। क्या स्विंग? स्विंग स्विंग तो नहीं आया था, बोला था ना बेकार के वो दिए हुए हैं, जिससे मैंने पैकेट संभाल के रखा है, मतलब मैंने बहुत अच्छे से रखा है सब। देखो ये इसमें ये घर है और सोफास है और कुछ सेट्स है। So guys, ये है कबोर्ड, तो इसकी कहानी में सुनाती हूँ। जल्दी करना। तो guys, पूरा रूम साफ करना है। तुम बीच बीच में मत हुआ तो बीच जगह होते तो भिड़ा हो जाएगा मेरे चित्र पे कहानी सुना। जल्दी जल्दी। तो ये देखो, सो इसकी कहानी ये है कि पहले एक बारबी लेके आए मेरे पापा, मतलब मेरे फ्रेंड काव्या को मुझे देना था गिफ्ट बर्थडे के लिए। तो पहले एक डॉल लेके आए, तो मुझे लगा कि मैं ये क्यों, तू वाओ रॉकस्टार बन गया, नया वाला लेती हूं पापा, कल दूसरे लेके आना, ये मैं रख लेती हूं ऐसे। तो दूसरे दिन और एक बारबी आए, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आने लगा और मैंने कहा कि पापा मैं ये रखती हूं आप लोग इलायची। तो पापा ने फिर देख सच्चे में लेके आए थे, उसमें एक कबोर्ड था। तो मुझे लगा कि ये कबोर्ड, मतलब कबोर्ड तो मेरे पास नहीं है, मैं रख लूं ऊपर। फिर मुझे पता चला अरे कल ही काव्या के बर्थडे है, चलो ये दे देती हूँ कबोर्ड वाला, फिर ले लेती हूँ। फिर बहुत हंगामा किया इसने, वो बोल मैंने डॉल दिया काव्या को, उसने रखा, मुझे पता नहीं कि अभी उसके पास है कि नहीं। पर फिर दूसरे अगले महीने मैं वो शॉप में गई, फिर वही सेम टू सेम सेट लेके आई घर पे। सो गाइस, ये गिफ्ट जो है मेरी फ्रेंड काव्या ने मुझे दिया था, तो मैंने ये संभाल के रखा है, ये पेपर को तो भी मैंने ये संभाल के रखा। सो मेरी फ्रेंड काव्या ने मुझे आई लव यू कह के एक लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पीछे देखो, पीछे ये भी देखो मस्त है, ये था दूसरा हार्ट किधर है, आधा हार्ट दिया है, नहीं हार्ट सही ऐसा है। तो इसके साथ एक बैंगल दिया था, तो वो इसको नीचे रखो यार। सो
जादुई नगरी कौन, सुन लो मेरी बात, फटाक से हो जाओ फुल। सो गाइस, अभी हमारा बेड रेडी है। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या 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 है, कैसा क्या है। पहले आता है यहाँ पर कैफे। सो यहाँ पे कैफे है, तो यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ कैफे की जो जो चीज़ें हैं और टेबल्स है। एंड यहाँ पर है एक डॉल एंड ये है ब्यूटी पार्लर। तो ये ऐसी दिखती है। यहाँ पर कुछ सामान भी है। सो ये है एक ड्रेस शॉप जहाँ पे है बहुत सारी ड्रेसेस एंड एक गर्ल। ये है एक रेनबो स्पार्कल बार्बी गर्ल। यहाँ पे आती है एक किचन एंड यहाँ पे है दो ट्विंस एंड एक लड़की जो फ्रिज पे खड़ी है एंड ये दो छोटे छोटे बच्चे जो खाना खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सो ये है बाथरूम जहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, मीन्स बाथिंग। एंड यहाँ पे है एक मिरर जो छोटा सा मिरर है एंड यहाँ पे एक लड़की टॉयलेट कर रही है। सो ये है एक हाउस जहाँ पे है ये होम एंड यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं एंड एक ऊपर बैठी है। ये है बेडरूम की व्यू जहाँ पे कैन, बार्बी एंड उनके दो बच्चे सो रहे हैं। एक बेड है, बिस्तर है एंड यहाँ पे एक मिरर एंड कबोर्ड एंड कुछ सामान। यहाँ पर है हॉस्पिटल जहाँ पे है दवाइयाँ एंड एक डॉक्टर एंड डॉक्टर की यूनिफॉर्म, बैग, इंजेक्शन एंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे सो रहे हैं कुछ पेशेंट्स। पे है एक छोटा सा नन्ना सा बच्चों का बेबी सिटिंग और ये है उसकी मतलब उधर काम करने वाली एंड ये है पेरेंट जो आई है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। जहाँ पे है स्विंग एंड कुछ खेलने के सामान लाइक सीसो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड यहाँ पे मिकी माउस एंड मिनी माउस भी है और एक ट्री है और मैंने ग्रास मैट बिछा दिया है। जस्ट टेक अ लुक। दूसरा गार्डन जहाँ पे खेलते हैं डोरा एंड बूट्स। सो यहाँ पे डोरा एंड बूट्स है। तो यहाँ पे है एक स्विमिंग पूल एंड साइकिल एंड क्रोकोडाइल एंड चेयर एंड अ पोनी जो बहुत क्यूट सी है बिकॉज इट इज पिंक। ओके सो यहाँ पे एक मतलब जो बैठते हैं ना बीच में वो लगा रहता है ना वो
एंड मिकी माउस का बच्चा है इधर, और यहाँ पे है क्यूट सा डॉग, नहीं डॉग बिल्ली, नहीं डॉग बिल्ली डॉग, यहाँ पे है स्विंग, एंड यहाँ पे है इसका होम मींस वुड्स का होम, एंड यहाँ पे आएगा साइकिल। अभी हम लोग ग्राउंड पे आते हैं, तो मैंने ग्राउंड की जो भी चीजें हैं वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट मैंने ऐसे ही उधर रख दिया है। तो यहाँ पे एक झूला है बस, टूटा फूटा है, फटा हुआ। मैं जब फोर्थ चैनल पे थी ना, फोर्थ चैनल ओके, तब मैं स्कूल पे रहती, तो ये झूला रखी थी, तो अभी वो तो कट चुका है, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, तो अभी ये जो हाउस है ये मेरी दीदी ने बनाया था, तो ये पहले बहुत अच्छा सा सुंदर सा दिखता था। एक दिन ना मैं क्लीनिंग करने गई थी, तो सारी चीजें उलट पलट कर दिया मैंने जब छोटी थी मैं, तो मैंने अब ऐसा रखा है, तो आई थिंक ये होना भी किसी काम का नहीं है। इधर देखिए कुछ हटा, इधर का वो मेरी नोट्स है वो मैं देखो, अब स्कूल नोट्स है वो वैसे ही रहेगा, मतलब मैं थोड़ा बहुत तो करेक्ट कर दूंगी वो। और हमारे पास तो अच्छे क्लीनिंग करने के लिए ये आया है, ये आई है क्योंकि उई उसे आपके आप पे लगे ओह ओके उसे घूमने दो। सो गाइस, ये है वो चीजें जो बारबी रूम पे थे, तो मैंने ये हॉब पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि क्लीनिंग करना था उधर, फिर मैं ठीक से रख दूंगी बारबी रूम में, क्या ठीक से। Few moments later. So guys, finally हमारा रूम तैयार है। सो उतना भी बढ़िया, मतलब अच्छा जैसे मैंने इमेजिन किया था उतना अच्छा तो नहीं बना है, पर ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेके चलती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, पहले मैंने ये एक बेस रख के बनाया, मतलब एक टॉपिक जो है, ये एक सिटी है बारबी सिटी, डॉल सिटी, ओके डॉल सिटी ओके। तो यहाँ पर पहले आता है मिरर, सो ये मिरर के बाद मैंने ये सब चिपकाया है इधर, और यहाँ पे आप लोग देखो, तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आता है किचन। सो उसके ये पहली शॉप है, ये डोर एंट्रेंस है सिटी का, और ये एक शॉप है जहाँ पे किचन है, ये कस्टमर है, ये दो शॉपकीपर है, एंड यहाँ पे आता है दूसरे शॉप जहाँ पे वॉशिंग मशीन लाइक दैट होम मटेरियल्स खरीदना आता है, तो लोग यहाँ पर आते हैं। एंड देन आता है एक अच्छा वाला कॉन्सर्ट जहाँ पर सिंगर्स आते हैं, इसने गिटार पकड़ा है, एंड यहाँ पर मेनली बड़ा वाला मूर्ति है, एंड यहाँ पे कैमरा है जो थोड़ा बहुत गिरती है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं सिंगिंग के लिए, और ऑडियंस भी आते हैं यहाँ पर। एंड देन ये एक जगह है जहाँ पे लोग आते हैं हेलोवीन मनाने, यहाँ पे मुंडी कलेक्शन है, तो ये काफ़ी अच्छा है। सो यहाँ पर मरे हुए लोगों की मूर्तियाँ बनाया है, ऐसा मैंने रखा है स्टोरी पे। देन यहाँ पर बहुत ठीक ठाक है, मतलब लोग अभी भी आते हैं, कोई कॉमन डेज पे भी आ सकते हैं, या फिर हेलोवीन पे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। सो देन यहाँ पे आओ, सो यहाँ पर ना मैंने फुल्ली यहाँ पे देखो आप लोग डॉल्स रखा है, ये देखो। एंड देन यहाँ पर मैंने झूले पे चार लोगों को बिठाया है। सो कहानी में ये है कि ये सब मूर्तियाँ हैं, सो यहाँ पर लोग ना यहाँ पर आके खड़े होंगे तो पूरे शहर को आसानी से, मतलब पूरा शहर को, बड़ा वाला शहर को यहाँ पे रहकर देख सकते हैं, ऐसा स्टोरी में है। ये देखो यहाँ पर मैंने डॉल्स रखा है जो बहुत एक्स्ट्रा हो गए थे, तो मैंने इसे कहानी में ट्विस्ट ला दिया। सो यहाँ पर बहुत लोग आए हैं देखने के लिए। एंड सो ऑन, यहाँ पे जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोग एक डॉल को देखेंगे, एक बड़ी सी बारबी है ये, जिसकी हेयर स्टाइल भी मेरे से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, देखो। एंड यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ड्रेस शॉप, जो कल मैंने अच्छे तरीके से रखा था, तो आज कुछ
सेपरेट हो गया है। सो यहाँ पर ड्रेस शॉप है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा ब्यूटी शॉप, मतलब यहाँ पे ब्यूटी पार्लर है। सो यहाँ पे आएगा ब्यूटी शॉप जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा ब्यूटी आइटम्स एक्सेसरीज जैसे कि मिरर वगैरह वगैरह कॉम्ब वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे एक बड़ा सा चप्पल भी है, फेंकने के लिए नहीं है पर शो के लिए है। ओके सो देन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा चप्पल की दुकान, चप्पल की नहीं ऐसे ही दुकान है। बहुत मेरे पास बहुत शूज़ थे इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। सो शॉपकीपर ये है एंड देन यहाँ पर एल्सा एना ये लोग हैं, एल्सा एना बहुत लोग हैं, वैसे बहुत लोग ऑडियंस भी कस्टमर टूरिस्ट हाँ उससे बातें हैं यहाँ पर खरीदी करने के लिए और ये शहर का सुंदरता को एंजॉय करने के लिए। ऐसे स्टोरी में है हाँ, सच में कोई भी नहीं आता है ये करते चलो अपनी बेइज्जती अपने नाम पे क्यों कर रही हूँ मैं। एंड देन यहाँ पर देखो आप लोग एक होम है, तो यह कॉमेडी होम होता है ना जैसे एक होम इधर। एंड देन मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान था इसलिए मैंने कुछ कुछ करके यहाँ पर रख दिया है। एंड देन यहाँ पर कुछ डॉल्स उधर सेटल नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया। सो ये सब है वॉल पे लगे हुए स्टिकर्स, यानी कि मैंने स्टिक किया है ये देखो यहाँ पर वॉल पे मैंने मतलब स्पेशल फॉर यू बर्थडे वाला रखा है और फिर फैरी कुछ वैसा मतलब एल्सा एंड एना उन लोगों का रखा है। एंड देन यहाँ पर भी बहुत स्टिकर्स है मिरर पे, मतलब मिरर के बाजू में मैंने स्टिकर्स लगाया है जो मिरर को एक अच्छा सा लुक देगा। एंड देन कपबोर्ड पे भी मैंने स्टिकर लगाया है जो कपबोर्ड को भी मतलब अच्छा बना देता है, अच्छा लग रहा था कपबोर्ड इसलिए मैंने कपबोर्ड पे भी स्टिकर्स लगा लिया है। ये देखो फाइनल लुक ऐसा लग रहा है। एक मिनट, एक चीज़ तो मैंने दिखाया ही नहीं, एक मिनट रुको। सो गाइस ये है मेरे लिए बहुत स्पेशल मेरी फोटोज़ विद काउस, एंड देन ये भी बहुत काउस के साथ फ़ोटो है, ये चाइल्डहुड की फ़ोटो। एंड देन ये बाथरूम में एक दिन खिंचवाया हुआ फ़ोटो, एंड देन मैंने वॉल के ऊपर ऐसे ही एक चिपका दिया था। एंड देन ब्यूटीफुल ऐसे स्टिकर एक मैंने स्विच बोर्ड के ऊपर, एंड यहाँ पर भी एक हार्ट वाला स्टिकर। देन यहाँ पे मेरे डॉग्स के साथ एक फ़ोटो, डिफरेंट अवतार ऑफ यूट्यूब मैंने यूट्यूब में जैसे फ़ोटोज़ है वो, एंड ये है फैमिली के साथ मेरी फ़ोटो जो मैंने एडिटिंग किया है। देन ये मेरी फैमिली के साथ, देन ये देखो फुल व्यू ऑफ माय बारबी रूम। मुझे तो मतलब उतना भी सुंदर नहीं लग रहा है बट इट्स ओके, ओके ओके लग रहा है। अगर मैं बहुत अमीर होती ना तो पक्का और भी अच्छा कर लेती, हाँ पर मेरे पास आइटम्स नहीं है तो मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था, ऐसे तो नहीं बन पा रहा बन पाया, तो मैंने जस्ट कैसे मेरे से बन पाया वही मैंने किया। ओके तो ये देखो ऐसा दिख रहा है। रैक के ऊपर भी मैंने व्हीकल्स लगाया है, बहुत लंबी वीडियो हो गई। Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Like video ko karna and friends ko ye video share karna and mere channel ko subscribe karke bell icon daba dena. Okay, bye guys. See you in next video. Bye.